यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑर्डिनरी रबर इज द इंसुलेटर बट द स्पेशल रबर टायर्स एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, वाई इज दिस नेसेसरी। तो देखिए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब एरोप्लेन लैंड कर रहा होता है तो ये एरोप्लेन की टायर्स प्रेजेंट होंगे, और ये जब एरोप्लेन जब लैंड कर रहा होता है तो जब ये जो लैंड कर रहा होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पीड से ये लैंड कर रहा होता है, तो जो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है रोड और टायर के बीच में, और इस फ्रिक्शन की वजह से टायर के ऊपर बहुत सारा चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टायर है थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है और ऑर्डिनरी रबर का नहीं बनाया जाता, थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है और बहुत ही हार्ड मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके का होता है, स्पेशल मटेरियल का बनाया जाता है ताकि ये जो भी इस पे चार्ज जनरेट हुआ है, बहुत ज़्यादा इस चार्ज जनरेट हुआ है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे स्पार्क जनरेट ना हो, तो इस वजह से ये क्या करता है, थोड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है, और जिसकी वजह से ये सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर लूज़ कर देता है।